आगरा के सहागंज बाजार में दोपहर 12 बजे ऐसी अफरा तफरी मची कि आधे से ज्यादा दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर बंद कर दिए। अफरा तफरी की वजह थी जीएसटी वालों का आना, जबकि जीएसटी वाले कहीं भी बाजार में नजर नहीं आए, लेकिन दुकानदारों में दहशत का माहौल बना दिखा। आज सुबह 12 बजे डेली रूटीन के तौर पर पूरा मार्केट खुला हुआ था। उसी समय कुछ लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई गई कि जीएसटी वाले आ गए हैं, और इसको लेकर भोगीपुरा मार्केट, सहागंज मार्केट, जोगीपाड़ा मार्केट के दुकानदारों ने अपने शटर गिरा दिए और दुकान के बाहर खड़े होकर जीएसटी वालों का इंतजार करने लगे। लेकिन जब प्रातः दर्पण न्यूज के संवाददाता अविनाश कुलश्रेष्ठ ने जानकारी एकत्रित की तो पता चला कि कोई भी जीएसटी का अधिकारी बाजार में नहीं आया है। लोगों की अफवाह को लेकर बाजार गर्म हुआ और दुकानें बंद कर दी गई हैं। वहीं जोगीपाड़ा बाजार कमेटी के अध्यक्ष और सहागंज बाजार कमेटी के अध्यक्ष ने अपनी परेशानियों के बारे में अवगत कराया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अविनाश कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। मेरा नाम ब्रह्मचंद गोस्वामी है, जोगीपाड़ा बाजार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं। देखिए, जिस तरीके से बालूगंज में सभी दुकानदार छोटे छोटे कारीगर अगर थोड़ा अपना काम कर रहे हैं, उस तरीके से छापेमारी एकदम कर रहे हैं और वसूली कर रहे हैं कि इतना चाहिए इतना चाहिए, ये गलत है। हमेशा से ऐसा होता आया है कि साल के साल ये लोग अपने कैंप लगा देते, कि आज सागंज में कैंप लग रहा है तो वहाँ सब दुकानदारों को बुलाया जाता था, हमारे पाँचों बाजारों के दुकानदारों को बुलाया जाता था कि भाई जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो अपना जीएसटी नंबर ले लें। तो हम लोग भी यही करते थे हमेशा कि भाई सभी दुकानदार जो है जीएसटी नंबर लें और जो कर का दायरा बनता है उसको दिया जाए। अभी कोई जीएसटी वाले आए? देखिए, अब ऐसा है कि अभी आगरा की स्थिति ये है, अभी जो है 9 तारीख को हम लोग 2:30 बजे करीब भोपाल मंडल के लोग सभी जयपुर हाउस में मिले थे, जिसमें एक मीटिंग भी हुई थी वहाँ पर। तो उस तरीके से मतलब एक क्या डिक्लेयर किया? अभी देखो, अभी तो उन्होंने ये कहा था कि अभी हम लोग जो है जगह जगह जाकर कैंप लगाएंगे जब सभी दुकानदारों में। आप लोगों ने शिकायत की होगी कि इस तरीके दुकानों पर ना जाया जाए? हाँ, नहीं उसने ये आश्वासन दिया कि हम ये देखते हैं, अभी जो है जहाँ जहाँ की कमेटियाँ हैं उनसे सभी लोगों से मिलेंगे और अपना रखेंगे। तो मेरा तो एक ही सुझाव है इसमें कि जगह जगह कैंप लगाए जाएं, ये छापामारी की जगह कैंप लगाए जिसमें सभी दुकानदारों को बुलाया जाए और बुला के बाकायदा उनसे पूछी जाए कि साहब आपका जीएसटी नंबर है। तो दुकानदार जिसका जीएसटी नंबर नहीं होगा वो जीएसटी नंबर लेंगे, और हमेशा से ऐसा ही हुआ है कि जहाँ कैंप लगता है वहाँ हजारों सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों ने जीएसटी नंबर वगैरह लिए। मैं कृष्ण कुमार जग्गी, सहागंज व्यवसाय समिति का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आज किस तरीके का उधम था जो मार्केट में बंद कर दिया गया? कोई उधम नहीं है, हमारी दुकानें एज इट इज खुली हुई हैं, जैसे एज यूजुअल खुलती है। बाकी उधम तो या जो दुकानें बंद हैं, एक तो मंडे भी है और नंबर दो जो अनरजिस्टर्ड है उनको दिक्कत हो रही है। तो हमने सभी को यही कहा है कि अपनी दुकानें रजिस्टर्ड कराइए और अपने काम को करिए, बेफिक्र होके, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बताते हैं मार्केट वाले कि जीएसटी वाले? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बंद वही लोग उधम मचा रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड है। तो हमने उनको साफ तौर पे कह दिया है, गवर्नमेंट की जो नियमावली है उसके अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। बाकी रजिस्टर्ड कराइए, आप बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुमित सदिया, रुई की मंडी बाजार कमेटी अध्यक्ष। आज क्या कारण रहा कि इस तरीके दुकानें बंद हुई? आज देखिए, कारण ये रहा कि जो दुकानदारों ने दुकानें अपनी बंद करी है ना, उनके बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने उस जड़ से दुकानें बंद करी हैं। बाकी तो ये है कि जो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं उनके बाद में रजिस्ट्रेशन है, और बाकी ये तो अफवाह फैलाई जा रही है। अब दुकान तो खुली हुई है, लगभग हमारा पूरा बाजार खुला हुआ है, तो दो चार बाजार पूरा बंद है। वहाँ कुछ लोगों का ये तक कहना है देखिए, बिरयानी ठेल वेल वालों को ऐसा कुछ भी नहीं है कि परेशान कर रहे हैं, मगर उन्होंने क्या है अपने अपनी दुकानों पे, अपनी ठेल पे पेटीएम फोन पे वाला लगवाए हुए हैं, ठीक है। और पेटीएम फोन पे जब लगवाए हुए हैं तो साफ सी बात है उनके बैंक अकाउंट बोल रहे हैं। अब जब बैंक अकाउंट बोल रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन तो लेना चाहिए ना, और गवर्नमेंट का टैक्स आप क्या नाम है अगर रोकोगे तो वो तो गलत है। कहीं ना कहीं मतलब हमारी अपनी कमी है जिसकी वजह से अधिकारी हम पर। देखिए, कमियां उन लोगों की हैं जो रजिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट का टैक्स चोरी कर रहे हैं, उन लोगों की कमियां हैं। बाकी तो व्यापारी है,
और जो रजिस्ट्रेशन लेके व्यापार अपना टैक्स जमा कर रहा है तो वो लोग सही भी हैं, और जो टैक्स जमा नहीं कर रहे वो लोग गलत है। और जो जीएसटी की टीम जा रही है उन लोगों के पास में, वो उनके पास में जा रही है जो गवर्नमेंट का टैक्स चोरी कर रहा है। क्या नाम है भाई साहब? सीताराम। सीताराम जी क्या कहना चाहते हैं जीएसटी के बारे में? जीएसटी के बारे में छोटे व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं ये, और सब चीज में महंगाई बढ़ा दी है। महंगाई बढ़ने के बाद भी फिर भी जीएसटी लगा रहे हैं, गरीब आदमी में मर जाए वैसे छोटे व्यापारी। तो अभी जीएसटी वाले आए नहीं, उससे पहले हमने दुकानें बंद कर ली, क्या किसने बोला कि जीएसटी वाले आ गए? अरे अफवाह उड़ रही है। अच्छा। इनकी मंडी में बेचारे को पकड़ लिया, अलबत्त रोड पे ठेल वाला लगा रहा है वो मुगली वाला, उसे पकड़ लिया। तो कितनी कमाई हो रही है, कितनी कमाई नहीं हो रही है, ये क्या गवर्नमेंट है, चोर गवर्नमेंट है ये। नहीं आना चाहिए, छोटे व्यापारी बेचारे व्यापार कर रहे हैं, क्या से लाएंगे पैसा इतने? एक महंगाई मारे दे रही है, आटा महंगा, दाल महंगी, रिफाइंड महंगा, सब चीज महंगाई है, और फिर जैसी दो।